हॉस्पिटल में एडमिट है मम्मी, आप लोग जल्दी से हॉस्पिटल में आ जाइए। तो चिंता मत कर बेटा, हम लोग अभी जल्दी से हॉस्पिटल पहुंचते हैं। तुम अपना और जमाई जी का ध्यान रखना बेटा। विशाल, बहू सीमा, जल्दी से यहाँ हॉल में आओ। हाँ मम्मी, क्या हुआ? आपने हमें बुलाया और आप इतनी उदास क्यों हो? बेटा, अभी पूनम का फोन आया था, वो हॉस्पिटल में है। हॉस्पिटल में? क्यों मम्मी, क्या हुआ? क्या हुआ मम्मी जी, दीदी ठीक तो है ना? हाँ पूनम तो ठीक है, लेकिन विकास का एक्सीडेंट हुआ है और वो अभी बहुत ही ज्यादा सीरियस है। वो अभी आईसीयू में है, उसने हम लोगों को जल्दी से बुलाया है। चलो हम जल्दी से हॉस्पिटल चलते हैं। हाँ हाँ मम्मी जी, चलिए हम सब लोग जल्दी से दीदी के पास चलते हैं, वो बहुत ही ज्यादा परेशान हो रही होंगी। जवाई जी की हालत तो बहुत ही ज्यादा खराब है बेटा। बेटा, विकास जी की हालत ऐसी कैसे हो गई? कैसे हुआ उनका एक्सीडेंट, कुछ तो बताओ बेटा। वो मम्मी, कल रात हम इनके बॉस की बेटी के बर्थडे पार्टी में गए थे, वहाँ से आते टाइम एक गाड़ी ने आगे से आकर इनकी गाड़ी को टक्कर मार दी। तब मैं तो किसी न किसी तरह से बच गई, लेकिन इनको बहुत ही ज्यादा चोट आई है मम्मी। धैर्य रखो बेटा, भगवान सब कुछ ठीक कर देगा। ठीक है बेटा, अब 2 दिन हो गए हैं हम लोगों को यहाँ हॉस्पिटल में रहते हुए। तुम्हारे पास मैं और तेरे भाई दोनों ही रह रहे हैं। तुम्हारे भाई ने मेडिकल पे से वो सारी दवा ला दी है जो जो दवा डॉक्टर ने लिख के दी थी बेटा। ठीक है बेटा, अब हम लोग चलते हैं घर। घर पर तुम्हारी भाभी बेचारी अकेली है बेटा, वो परेशान हो रही होगी। एक तो उसका छोटा बच्चा है, ऊपर से घर का इतना सारा काम कैसे संभाल रही होगी वो। ठीक है बेटा, चलते हैं हम लोग अब। तुम ध्यान रखना अपना और जवाई जी का। यदि तुम्हें किसी चीज की जरूरत हो तो हमें बता देना। हाँ दीदी, मैं भी 2 दिन से ऑफिस नहीं गया हूँ, चलता हूँ अब मैं। ध्यान रखना आप अपना। देखिए, आपके पति को आज पूरे 7 दिन के बाद होश आया है। यदि आप चाहो तो आप उनसे मिल सकते हो। हाँ जी, चलिए जल्दी से मिलना है मुझे अपने पति से। वो ठीक तो है ना डॉक्टर साहब? हाँ हाँ, अब चिंता करने की कोई बात नहीं है, वो अभी एकदम ठीक है, आप उनसे मिल सकते हो। आपको पता है मुझे कितनी टेंशन हुई थी, लेकिन अब आपको एकदम सही देखकर मेरी जान में जान आई है। अभी डॉक्टर ने आपसे ज्यादा बातचीत करने के लिए मना किया है, आप आराम कीजिए, तब तक मैं डॉक्टर से मिलके आती हूँ। देखिए, अभी तो उनकी हालत में सुधार है, लेकिन 2 हफ्तों तक उन्हें और हॉस्पिटल में रखना पड़ेगा। ठीक है डॉक्टर साहब, जैसा आप ठीक समझे, लेकिन उनके इलाज में कोई भी कमी नहीं होनी चाहिए डॉक्टर साहब, वो एकदम सही तो हो जाएंगे ना? हाँ हाँ, वो एकदम सही हो जाएंगे, आप किसी भी बात की टेंशन मत कीजिए, आप 2 लाख रुपए और जमा करवा दीजिए। ठीक है डॉक्टर साहब, मैं 2 लाख और जमा करवा दूंगी। अभी मैं इतने सारे पैसे और कहाँ से लेके आऊँ? अभी इनकी सेविंग से जो मैंने 5 लाख रुपए इकट्ठे किए थे, वो भी मैंने पूरे इनके इलाज में खर्च कर दिए, और जो 2 लाख रुपए इनके बॉस दिए थे वो भी पूरा पैसा खर्च हो गया। अब 2 लाख रुपए और मैं कहाँ से एडजस्ट करूँ, मुझे तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। अब इतने पैसे मैं कहाँ से लेके आऊँ? मैंने अपने सारे गहने भी बेच दिए इनके इलाज के लिए, और इनके दोस्तों से भी मैंने उधार ले लिया है, लेकिन अब मुझे 2 लाख रुपए और जमा करवाना है, वो मैं कहाँ से लेके आऊँ? मैं एक काम करती हूँ, अपने मायके वालों से पैसे मांगती हूँ, वो मेरी मदद जरूर करेंगे, वो मुझे निराश नहीं करेंगे, वो 2 लाख रुपए मुझे जरूर से देंगे। आखिरकार मैं उनकी बेटी जो हूँ, वो मेरी मजबूरी समझेंगे और मेरी मदद जरूर करेंगे। मैं अभी अपने मायके जाती हूँ और अपने पापा से 2 लाख रुपए लेके आती हूँ। पापा, मुझे 2 लाख रुपए की जरूरत है, आप मुझे 2 लाख रुपए दे दीजिए, समय आने पे मैं आपके सारे पैसे वापस लौटा दूंगी। पापा, अभी मेरे सारे पैसे विकास के इलाज में खर्च हो गए हैं और 2 लाख रुपए जमा करवाने हैं। डॉक्टर ने कहा है कि इन्हें 2 सप्ताह तक और हॉस्पिटल में रखना पड़ेगा, जिसके लिए मुझे 2 लाख रुपए और जमा करवाने हैं पापा। और आपकी तो पेंसिल भी आती है, मुझे पता है आप मुझे निराश नहीं करोगे, आप मुझे 2 लाख रुपए दे दीजिए पापा, मैं आपके सारे पैसे वापस लौटा दूंगी। हाँ बेटा, मैं तुम्हारी मदद तो कर देता।
विवेक से बात करो, शायद वो ही तुम्हारी मदद कर सकता है बेटा। माँ, मुझे सिर्फ 2 लाख रुपए की जरूरत है, उसके बाद विकास को हॉस्पिटल से छुट्टी मिल जाएगी। आप मुझे 2 लाख रुपए दीजिए, आप बात कीजिए ना विवेक भैया से माँ, ताकि वो मुझे 2 लाख रुपए दे दे और मैं 2 लाख रुपए हॉस्पिटल में जमा करवा के विकास को हॉस्पिटल से अपने घर ले जा सकूँ। माँ, अब तो आप ही मेरी मदद कर सकती हो, आप मेरी मदद करोगी ना माँ? मुझे लगता है बेटा, तुम्हें यहाँ से नहीं बल्कि अपने ससुराल वालों से मदद लेनी चाहिए बेटा। जो पैसे तुम मुझसे मांग रही हो, वो पैसे तुम अपने ससुराल वालों से मांगो, क्योंकि विकास इकलौता बेटा है उनका, वो तुम्हारी मदद करेंगे, फर्ज बनता है उनका। और यदि वो पैसे देने से मना करे तो केस ठोक देना उनके ऊपर। और हाँ, फ्लैट बेचने की गलती तुम दोबारा मत करना, क्योंकि उनके इलाज के लिए पहले ही तुमने अपने सारे गहने बेच दिए हैं। और रही बात बेटा विवेक से पैसे लेने की, उसकी तो आर्थिक स्थिति वैसे ही खराब चल रही है, वो तुम्हारी मदद कहाँ से करेगा बेटा? तुमने देखा नहीं हॉस्पिटल में कैसे दौड़ दौड़ के वो जवाई जी के लिए दवाइयाँ लेकर आ रहा था? उसके पास तो बेटा पैसे नहीं है, फिर वो तुम्हारी मदद कहाँ से करेगा? हाँ दीदी, विवेक पे भी घर की बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, इतने सारे पैसे वो कहाँ से अरेंज करेंगे दीदी? उनसे नहीं हो पाएगा दीदी, आप अपने ससुराल वालों से ही मांग के देखिए, वो आपकी मदद ज़रूर करेंगे दीदी। पैसों की कोई भी कमी नहीं होने के कारण आज मेरी सगी माँ ने और सगे भाई भाभी ने पैसे देने से मुझे मना कर दिया। ये लोग मेरे मुसीबत के समय में मेरी कोई भी मदद नहीं कर रहे। मेरी माँ सोचती है कि मेरे बेटे के पैसे कहीं खर्च ना हो जाएं। जिस माँ भाई बहन के कहे अनुसार मैं चलती आ रही थी, ये लोग जैसा बोलते थे मैं वैसा ही करती थी। आज इन्हीं लोगों ने मेरी मदद करने से इनकार कर दिया। मैं अच्छे से जानती हूँ मेरे मायके वालों के पास पैसे की कोई भी कमी नहीं है। क्या एक दो बार मेडिकल से दवा ला देने में ही भाई का फर्ज पूरा हो जाता है? क्या भाई का एक बहन के प्रति इतना ही फर्ज बनता है? विवेक ने हॉस्पिटल में भी मुझसे एक बार भी नहीं कहा कि दीदी यदि पैसों की ज़रूरत हो तो मुझे बता देना, मैं तुम्हारी मदद कर दूंगा। और ना ही मम्मी पापा ने मुझसे पैसों के बारे में किसी ने पूछा। मैं खुद यहाँ पैसे लेने के लिए नहीं आती, लेकिन और कोई दूसरा रास्ता मुझे नज़र ही नहीं आया। मैंने सोचा कि मुसीबत के समय में मायके वाले तो ज़रूर ही मदद करेंगे अपनी बेटी की। मैं एक काम करती हूँ, अपने सास और ससुर के पास जाती हूँ जो कि गांव में रह रहे हैं, लेकिन मैं अब उनसे मदद भी कैसे मांगूँ? मैंने अभी तक उनको विकास के एक्सीडेंट की खबर भी नहीं दी है। लेकिन मैं अब अपने सास ससुर के पास जाऊं भी तो कैसे? मैंने कभी उनकी इज्जत भी तो नहीं की, और मैंने उन्हें अपने मम्मी पापा के सिखाई हुई बातों में आकर अपने घर से निकालकर गांव जो भेज दिया था। मैंने अपने सास ससुर को हमेशा नीचा ही दिखाया है, उनकी बेइज्जती करने में कोई भी कमी नहीं छोड़ी। ये सब काम मैंने अपनी मम्मी की सिखाई हुई बातों में आके किया है। माँ ने तो मुझे हमेशा यही सिखाया कि बेटी जितना तुम अकेली रहोगी उतना ही खुश रहोगी, और मैंने भी तो विकास से अपनी मम्मी पापा से रिश्ता तुड़वाने में कोई भी कसर नहीं छोड़ी। लेकिन वो तो उनका उनके मम्मी पापा के प्रति प्यार था, जो मेरे कहने पर अपने मम्मी पापा से रिश्ता नहीं तोड़ा उन्होंने। पूनम, तुमने मेरे मम्मी पापा को मेरी एक्सीडेंट की खबर दी कि नहीं? उनको तुमने बताया कि मेरा एक्सीडेंट हुआ है? नहीं, मैंने मम्मी पापा को आपके एक्सीडेंट के बारे में कोई भी खबर नहीं दी। मैं सोच रही थी कि कहीं इस उम्र में उनको यह बात सुनकर झटका ना लग जाए, इसलिए मैं खुद गांव जाकर मम्मी पापा को यहाँ लेकर आना चाहती हूँ। आपकी हालत में भी अब पहले से काफ़ी सुधार है, इसलिए मैं खुद गांव जाऊंगी और मम्मी पापा को अपने साथ यहां लेकर आऊंगी, उसके बाद ही उन्हें आपके एक्सीडेंट के बारे में बताऊंगी। मगर यहां से तुम्हें गांव जाने में 6 से 7 घंटे लग जाएंगे, तुम अकेली वहां कैसे जाओगी? कल सुबह ही मैं मम्मी पापा को लेने के लिए गाँव के लिए निकल जाऊँगी। अरे बहू, तुम अकेली कैसे? विकास कहाँ है? वो नहीं आया तुम्हारे साथ?
पिताजी। मम्मी जी, विकास का एक्सीडेंट हो गया है। क्या, विकास का एक्सीडेंट हो गया है? ये तुम क्या बोल रही हो बहू? वो ठीक तो है ना? उसे ज्यादा चोट तो नहीं आई ना? हाँ मम्मी जी, अब पहले से ठीक है वो। अभी तुम्हारे पापा खेत में गए हैं, मैं उन्हें अभी बुलाती हूँ खेत से। सुनैना, तिजोरी में कम से कम 3 लाख रुपए होंगे, वो ले लो। और मेरे गहने किस दिन काम आएंगे, मैं वो भी ले लेती हूँ। क्या पता वहाँ कितने पैसों की जरूरत हो। ये देखो, ये अपने बेटे से कितना प्यार करते हैं, बगैर कुछ सोचे समझे ही मम्मी अपने सारे गहने लेने के लिए तैयार हो गई। और एक मेरे मायके वाले हैं, जिनके पास इतना पैसा होते हुए भी वो मेरी मदद नहीं कर पाए। ये लोग अपने बेटे से कितना प्यार करते हैं, और मेरे मायके वाले मुझसे बिल्कुल भी प्यार नहीं करते। मैं अपनी की हुई गलतियों से बहुत ही शर्मिंदा हूँ। ये लोग खुद भी इतने पैसे वाले नहीं हैं, फिर भी बगैर कुछ सोचे समझे अपने बेटे के लिए सारे पैसे और गहने लेकर मेरे साथ चलने के लिए तैयार हो गए। बेटा, तुम सच सच बताओ, विकास ठीक तो है ना? तुम्हें ऐसा रोता हुआ देखकर मेरा तो दिल बैठा ही जा रहा है। मम्मी, विकास एकदम ठीक है। मम्मी पापा, मैंने जो आप लोगों के साथ बुरा बर्ताव किया है, उसके लिए आप लोग मुझे प्लीज माफ कर दीजिए। मैंने आप लोगों के साथ बहुत ही गलत व्यवहार किया है। बेटा, वो सब पुरानी बातें तो हम लोग कब का भूल चुके हैं। अब जल्दी से शहर जाकर बस एक बार विकास को देख लेते हैं, फिर हम लोगों को तसल्ली होगी। बेटा, कैसे हो तुम? ज्यादा चोट तो नहीं लगी ना तुम्हें? अरे मम्मी, आप टेंशन मत करो, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आप लोगों को नहीं पता, आप दोनों को यहाँ देकर मैं बहुत ही ज्यादा खुश हूँ। ये तो मैं आप लोगों को बता भी नहीं सकता। अब तो आप लोगों को देखने के बाद मैं बिल्कुल भी सही हो गया हूँ। अब देखना मम्मी, आप लोग यहाँ आ गए हो ना? पापा, अब मुझे बहुत ही जल्दी छुट्टी मिल जाएगी। अब हम सब लोग घर चलेंगे। और हाँ पूनम, जो रकम बची है वो तुम जमा करवा दो हॉस्पिटल में डॉक्टर से, फिर हम लोग घर चलते हैं। डॉक्टर ने मुझसे कहा है कि आपको अब जल्दी ही छुट्टी मिल जाएगी। हाँ हाँ, अभी मैं जो बचा हुआ पैसा है वो सारा जमा करवा देती हूँ। आपको पता है मम्मी जी, आप लोगों के यहाँ आने से हम लोग कितना खुश हैं। और आप तो मेरे हर एक काम में मेरी मदद भी करवाते हो, जिससे मेरा काम भी हल्का हो जाता है। आप तो मम्मी जी अब बस बैठ के आराम कीजिए, घर का काम तो मैं अकेली ही कर लूँगी। मम्मी, आप लोगों के आने से विकास की हालत में बहुत ही तेजी से सुधार हो रहा है। मेरी आंखों पे जो सवाद की पट्टी चढ़ी थी ना, अब वो उतर गई है। अब मुझे अपने मायके और ससुराल में फर्क नजर आ गया है। जिस मायके वालों के दम पे मैं इतना इकराती थी, मुसीबत आने पर उन्हीं लोगों ने अपने हाथ खड़े कर दिए। उन्होंने मेरी मदद करना जरूरी भी नहीं समझा। आखिरकार काम तो मेरे ससुराल वाले ही आए। मेरी माँ ने ऐसे समय पे मुझसे पल्ला झाड़ लिया, जिस समय में मुझे उनकी सबसे ज्यादा जरूरत थी। और उसी समय में एक माँ ने इतनी मदद की, जिस समय उन्हें उनके बेटे को उनकी जरूरत थी। काश मैं कभी भी अपनी माँ की बातों में नहीं आई होती, तो आज मेरा ऐसे बसा बसाया घर नहीं उजड़ता, और मैं अपने सास ससुर को इतने ताने नहीं देती। आज यही सास ससुर एक बेटे और बहू के काम आए, जब एक समय में मैंने इनका खूब अपमान किया था। देखो पूनम, मैं अब बिल्कुल सही हो गया हूँ। देखो बेटा, अब विकास एकदम ठीक हो गया है, अब हम लोग चलते हैं। देखिए मम्मी जी, पापा जी, यदि आप लोग अब दोबारा गांव जाकर रहना चाहते हो, तो मैं समझूंगी कि आप लोगों ने मुझे माफ नहीं किया। अरे बेटा, इन दिनों हम लोगों को तुमसे इतना ना प्यार मिला है कि गांव तो हम लोग खुद भी जाना नहीं चाहते, लेकिन विकास की अचानक एक्सीडेंट की खबर सुनकर हम तुम्हारे साथ तुरंत ही यहां शहर आ गए थे। और गांव में खेती बाड़ी और घर का सारा काम ऐसे ही तो बिखरा पड़ा है बेटा। बेटा, हम लोग यहाँ तुम्हारे पास शहर दोबारा जरूर आएंगे। तुम्हें अपनी गलतियों का पछतावा हो गया, हमारे लिए तो यही बहुत बड़ी बात है। तो दोस्तों, आप लोगों को हमारा यह वीडियो कैसा लगा? यदि आप लोगों को हमारा यह वीडियो पसंद आया हो, तो हमारे चैनल को लाइक और शेयर जरूर करें।
आप लोगों को हमारी यह कहानी कैसी लगी कमेंट में अपनी राय जरूर दें, और यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो बेल आइकन दबाकर सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि ऐसे ही मज़ेदार वीडियो आप तक पहुंचते रहें। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में।